हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तीनों शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो सभी आपके पास तभी पहुँचेगी जब बेल आइकन ऑन होगा। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और प्लीज़ यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए लगातार तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करना होता है तो मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 में आया था, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका, चिंचोटी वाटरफॉल कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो जेम्स चैडविक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना गांव अपना काम, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अपना गांव अपना काम स्लोगन किस स्टेट का है, किस स्टेट ने दिया है? तो झारखंड में है, ठीक है, झारखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, खेल मंत्री कौन है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट आपका, गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन सर्वित होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, ये इसका फॉर्मूला है MV² / R, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु मूवी के डायरेक्टर कौन है? अभिषेक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका, हेमा दास ने एशिया गेम 2018 में कितने मेडल जीते? पहले पूछा था कि इन्होंने जो मेडल इनके इनसे रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार पूछा है तो कितने मेडल जीते? तो 3 जीते हैं, 2 सिल्वर 1 गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका, गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन किस नंबर पर है? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पता चलते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल पढ़े बिना मत जाइएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटा दिया गया था? तो 24 अगस्त 2006 में हटाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है एग्जैक्ट क्या था, बट क्वेश्चन पूछा गया था। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो ये आपके ओपी रावत है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया में ही होना है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ये क्वेश्चन था आपका, आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे तो रिपीट ही हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये आपका रदरफोर्ड ने बताया था। आर्चरी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तो आप देख लीजिएगा अगर आपको पता चले, ठीक है। अगर कोई आज एग्जाम दे के आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट पढ़ के भी वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक था आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपका, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन जीएसटी से आपके पूछे जा रहे हैं। मेन आपके जीएसटी से जो आपके 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, और उसको बहुत सारे बच्चों ने देख भी चुके हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है? डोब्शन यूनिट होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जुपिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पूछा गया था, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग का क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये भी आपका आ चुका था शायद पहले, शायद लेफ्ट हैंड रूल आया था, ये अब की बार राइट हैंड रूल आ गया है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इसका 12 हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक था कि किसी देश का पीएम भी पूछा गया था, तो अगर कोई देखा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, और देखिए दोस्तों, ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किए हैं और आपका एग्जाम अब से यानी कि आज से 4 या 5 दिन बाद भी है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, अदरवाइज़ पेपर इतना हार्ड नहीं था। तो टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, और उसमें 30 टेस्ट आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये जो भी जितने भी क्वेश्चन इन 30 टेस्ट में होंगे आपके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जितने भी, वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मतलब सुपर है,
अगर आपने ये पढ़ लिया तो इनमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे फंस रहे हैं, तो आप इनको देख लीजिए। करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सब कुछ इंक्लूड है। तो आप देख लीजिए, इसका प्राइस 149 है, आपको 20% डिस्काउंट पे मिल जाएगा जो टॉपिक स्टडी का सब्सक्राइबर है, जो मतलब कि टॉपिक स्टडी चैनल से जुड़ा हुआ है सिर्फ ये उसके लिए है 20% का डिस्काउंट। और यहाँ पे आपको बस जहाँ पे भी डिस्काउंट के लिए कोड भरना पड़ेगा वहाँ पे भर दीजिएगा SourabHPL, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग से वही रटे गिटे आपके वही चैप्टर पूछे जा रहे हैं, इसलोगिज्म, ये आपका हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसलोगिज्म वाला चैप्टर, और वेन डायग्राम और क्लोक। ये चारों चैप्टर मैंने कल कराए, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, कल आपका पेपर नहीं था, तो मैंने कल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैथ की भी और रीजनिंग की भी वीडियो अपलोड की थी, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलोगिज्म से भी आपके चैप्टर है, वेन डायग्राम क्लोक से भी आपका चैप्टर है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन है, एनालॉगी वाटर इमेज और मिरर इमेज और डायरेक्शन से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो आपका यही था कि सीरीज कंप्लीट आपको करनी थी, OMKQHT लिखा था, नेक्स्ट क्या आना था, तो यहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड से रिलेशन में था, मतलब उसके फर्स्ट वाला फर्स्ट से, यानी कि जैसे पेयर लिखे हुए हैं OMKQ ये, ठीक है, तो फर्स्ट वाला नेक्स्ट वाले फर्स्ट से इस तरीके से मतलब रेट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ओ में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो के आ जाएगा, और के में से 3 माइनस कर दूँ तो एच, तो एच में से अब की बार 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एफ, यानी कि -4 -3 -2 चल रहा है, और ऊपर वाले में जो चल रहा है नेक्स्ट वाले में यानी कि एम और क्यू के साथ में उसमें प्लस चल रहा है, +4 करेंगे तो आपका क्यू, और क्यू में +3 करेंगे तो टी, और टी में +2 करेंगे तो वी। तो इस तरीके से कुछ था, तो आपका राइट आंसर एफ वी हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कुछ तलवारें बंदूकें होती हैं, कोई बंदूक तीर नहीं होता है, यानी कि उसमें कुछ वाली कंडीशन भी थी और नहीं वाली कंडीशन भी थी, तो इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। भाई कुछ तलवारें बोला गया है बंदूक है, तो तलवारें आपने सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाया, उसमें कुछ तलवारें बंदूक बना दी, यानी कि हल्का सा कट लगा के कुछ तलवारें बंदूक बन गई, ठीक है। फिर बोला है कि कोई बंदूक तीर नहीं है, तो तीर बिल्कुल अलग हो जाएगा बंदूक, यानी कि और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, बंदूक और तीर के बीच में नहीं का रिलेशन है, तलवार के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, ठीक है। तो ना नहीं हम नहीं का लगा सकते, नहीं हम है का लगा सकते, यानी कि है उनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें कंक्लूजन निकले हैं। कुछ बंदूकें तलवारें होती हैं, तो कुछ बंदूकें तलवारें होती हैं, बिल्कुल सही है, जब यहाँ पे तो साफ साफ बताई दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ तलवार तीर होते हैं, तो तलवार और तीर के बीच में कोई रिलेशन बताया नहीं है, तो कुछ तलवार तीर होती है, ये तब भी गलत होगा, अगर यहाँ पे बोल दिया जाता कि कुछ तलवार तीर नहीं होती है तो वो भी यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मतलब जो आपका ऑप्शन होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट में पता है प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी बच्चे से बात करो कि क्वेश्चन बता दो, वो क्वेश्चन ही नहीं बताता है, सर मैं अभी घर जाके बात करूंगा, तो 2 घंटे 3 घंटे बाद वो घर जाता है, उस टाइम पे बताता है। तो इसलिए मैं आपको उससे बस ये पूछा कि मिरर इमेज से क्वेश्चन था, तो मिरर इमेज से मैंने डॉग अपनी तरफ से लिखा है, मैं ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका आइडिया मुझे पता लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन था, पूछने के बाद में फिर उसको मैं अपनी तरफ से ऐड करके लेके आ जाता हूँ। और तुम्हें सही बताऊं तो वो जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन का एकदम ये भी मत सोचिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है आपका, ऑनलाइन पेपर है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता है। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन और आप मुझे बताना कितने परसेंट आप क्वेश्चन बता पाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यार कोऑपरेट किया करें, बहुत सारी इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप एक की एक वो लगता है कि कमेंट कि ये तो बेकार है, तो फेक है, ऐसी चीजें मत बोला करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसकी अगर मिरर इमेज बनानी है तो क्या है, देखिए यहाँ पे मिरर यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो जी का कौन सा पोर्शन मिरर के पास में है, ये वाला पोर्शन है, तो यही वाला पोर्शन इधर आना चाहिए, यानी कि जो चीज़ें मिरर के पास में होती है वही पास में होगी। तो जी का जो पोर्शन है ये वाला आगे वाला फेस जो है जी का, ये वाला, ये मिरर के पास में है, ठीक है। तो यही वाला मिरर के पास में इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जी हो गया, ओ आपका वैसे रखेंगे, डी का कौन सा पोर्शन है, देखिए डी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मिरर आपका ऐसे रखा है, तो डी का ये मिरर के पास में ये वाला फेस है या प्लेन वाला, ये वाला है ना, तो आप अभी भी इसको यही वाला यहाँ पे इस तरीके से बना देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई भी वर्ड आपसे पूछ ले जाए तो आप उसको इजीली कर लेंगे। एक आपका भिन्न का था, ओड वन आउट आपको बताना था, कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, टी यू के जे और आपका पी ओ वाई एक्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए सभी में तो -1 चल रहा था पहले वाले से और नेक्स्ट वाले में, ठीक है, -1 -1, बट इसमें +1 था, तो यही आपका टी यू ही राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन था आपका एमपी एमएलए और निर्वाचित सदन। तो आपको देखिए एमपी एमएलए दोनों अलग अलग होते हैं, बट दोनों के दोनों निर्वाचित सदन मतलब कि निर्वाचित किए जाते हैं और निर्वाचित सदन में ही बैठते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का वेन डायग्राम बनना था, उसमें आपको कुछ इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम मिले होंगे, यानी कि तीन अलग अलग मिले होंगे, कुछ ऐसा मिला होगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी मिला होगा। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना था, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। भाई दोनों के दोनों निर्वाचित किए जाते हैं ना, वोट डाल के तो सेलेक्ट किए जाते हैं, तो निर्वाचित सदन में ही बैठेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ होता, अगर यहाँ पे होता आपका कोई सा और होता, जैसे मान लीजिए आप प्रेसिडेंट होता, तो प्रेसिडेंट को सॉरी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं ना, हम चुनाव दे करके नहीं लाते हैं, उसको एमपी एमएलए वोट डालते हैं, तो उसका थोड़ा अलग हो जाता कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए मैथ के बारे में बात कर लेते हैं, मैथ के कुछ चैप्टर हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, एज, मेंसुरेशन हो गया। ये चैप्टर हैं जो आज मुझे पता चले हैं, वैसे सारे चैप्टर तो ये नहीं होंगे क्योंकि और भी चैप्टर बचे हुए होंगे, जैसे शायद स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी पूछा गया होगा, तो बताया नहीं है बच्चे ने, तो इसलिए पता नहीं है, मैं नेक्स्ट शिफ्ट में आपको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एचसीएफ आपका पूछा गया था 2, 4, 6 और 3, 5, 7, यानी कि सॉरी 2/3 और 4/5 और 6/7। तो जब भी ऐसे होता है तो आपको क्या करना है, 2, 4, 6 जो आपका लिखा है इसका एचसीएफ करिए, यानी कि ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ध्यान से देखिएगा एक बार, अगर इसमें बोला है बटे में जो वैल्यू दे रखी है, बोला एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर पूछा जाता है यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ आपको करना था, ठीक है भाई। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हो ही जाएगा, एचसीएफ मैंने आपको निकालना बताया है। अगर आप इसको 2, 4, 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2, ठीक है, 2 × 4 और दिया 6, तो ये अब ये किसी उससे कट जाएगा, ये सॉरी ये 1 होगा, ये किसी कॉमन नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो आपका ये 2 ही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ आपका पता चल गया, एलसीएम आपका जब भी देखिए तीनों के तीनों किसी भी को मतलब एक कॉमन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो कौन सा वो कॉमन नंबर होगा, वो 105 होगा, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक था आपका 1901 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे पूछा गया कि 1901 में क्या जोड़ा जाए, छोटे छोटे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए, यानी कि पूरा स्क्वायर हो जाए, 1901 में 1901 से एक ज़्यादा, मतलब आपको देखना है कि उससे बड़ा स्क्वायर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इससे एक बड़ा बस। अगर मैं 43 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना होगा, 1849, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 44 का करता हूँ तो ये कितना होगा, 1936, यानी कि इससे एक आगे गया है, ठीक है। तो 44 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और ये कितना है, 1936, और ये किस इससे कितना बड़ा है, 1901 से 35। तो अगर मैं 1901 में 35 प्लस कर दूँ तो जो भी आएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा 1936, और 1936 44 का मतलब स्क्वायर है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 35 जोड़ा जाएगा तो राइट आंसर आपका 35 हो जाएगा। भाई एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 1901 में क्या छोटे से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ देखनी है, अगर आपने 43 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो कितना आया, 1849 आ गया, ठीक है, ये इससे छोटा है, मैंने बोला इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा कौन सा होगा, 44 का आपने स्क्वायर किया, कितना 1936, ठीक है। अब ये इससे चेक करिए, इससे कितना बड़ा है, ठीक है भाई, तो इससे कितना बड़ा है, 35। तो बस आपको यही देखना है कि 1901 में अगर मैं 35 को प्लस कर दूं तो ये 1936 बन जाएगा, और 1936 किसका स्क्वायर, 44 का, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक वर्ग का विकर्ण आपको 15√2 सेंटीमीटर दे रखा था, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। या तो यहाँ पे देखिए रेशो पूछ लिया जाए, या फिर आपको इन दोनों के बीच का रेशो, या फिर दोनों के दोनों पूछ लिया जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक स्क्वायर दे रखा है और उसका ये विकर्ण आपको दे रखा है 15√2 दे रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि विकर्ण का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा और गुणा √2, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा रूट, यानी कि भुजा जितनी भी होती है उसकी √2 में मल्टीप्लाई कर दे तो विकर्ण निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ 15√2 को, तो इसमें 15 क्या है,
15 में की मान लीजिए मैंने भुजा में मल्टीप्लाई, इस भुजा में 15 में मल्टीप्लाई करके रूट टू को तो लिखा होगा ना एवीकर्ण, तो इसका मतलब मुझे भुजा मिल गई है, तो भुजा 15 मिल गई है, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, तो ये भी 15 होगी, तो परिमाप क्या होगा, इन चारों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ तो 15 × 4 कर लीजिए, ठीक है, तो 15 × 4 कर लेंगे तो क्या हो गया आपका 60 60 आ जाएगा, 15 × 4 = 60, तो 60 आपका जो है ये तो आ गया आपका परिमाप। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपकी लेंथ 15 है तो ब्रेथ भी 15 ही होगी, ठीक है, तो 15 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको पहले भी एक करा चुका हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब एग्जेक्टिव में मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2006 में था और इस टाइप का क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो मैंने इस पे 2006 भी डाल दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आज जो एग्जाम में पूछा गया था उसको कैसे करना था। एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 से 1/3 यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी थी लगते हैं, यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। अब यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, मतलब जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये आती है कि फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, अभी तक तो हमने फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सोल्व करना ही नहीं सीखा है। देखिए 2006 में भी आया था और आज भी आपका यही क्वेश्चन है, मतलब डिजिट चेंज है, डिजिट किसी बच्चे ने एग्जैक्ट नहीं बताई है, तो मैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ तो वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए पाइप जो है वो 2 घंटे में पानी की टंकी को भर देता है, ठीक है, भर सकता है 2। फिर यहाँ पे क्या हुआ, परंतु टंकी के एक साथ छेद होने के कारण इसे भरने में 2 से 1/3 टाइम लगता है। मान लीजिए एक छेद वाला पाइप है और वो बी पाइप है, तो ए और बी दोनों पाइप मिलने के बाद में टंकी को भरने में कितना समय ले रहे हैं, 2 से 1/3 यानी कि अगर मैं फ्रैक्शन को इसको बनाऊँ तो 3 × 6 = 7/3 टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तब उनका कैसे आपको लेना होता है, लेकिन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ कितना आ जाएगा 14, इन दोनों का यानी कि ऊपर वालों का, इसे नीचे वाले को भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इन दोनों का एलसीएम ले आपने कितना 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए का आपका 7 आ गया और 14 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों का 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 7 यूनिट पानी भर सकता था 1 घंटे में, अब ये 6 यूनिट पानी भरेगा। ये 6 यूनिट पानी क्यों भरेगा, क्योंकि इसमें एक पाइप जो बी है वो खाली करने वाला पानी यानी कि खाली करने वाला पाइप हो गया, तो इसकी वजह से 1 यूनिट पर आर पानी घट गया भरना। तो इसका मतलब ये जो पानी है, ये जो खाली करने वाला पाइप है, ये 1 यूनिट हर 1 घंटे में पानी निकालता होगा, इसका यही तो रीजन रहा होगा कि 1 यूनिट पानी घट गया। तो बी पाइप जो है वो हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है, तो यही पूछा है यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, तो भरी हुई टंकी कितनी होगी 14 यूनिट की, तो 14 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 14 आर आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 14 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पूरे दिन की किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो सिर्फ आपको एक ही जगह मिलेगी, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम का ऐप अगर आपके पास है तो वहाँ पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी और ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे 1000-2000 पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। और अगर आपके पास ये टेलीग्राम ऐप नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद टॉपिक स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं, पूरी डिटेल वहां पे है और बहुत ही हेल्पफुल है ये टेस्ट सीरीज, बहुत ही सस्ती 120 रुपए में आपको पड़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।